फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी गुजरा उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। आज ये कपड़े धो देता हूँ मैं, जितने भी कपड़े पड़े हैं ये सब धो देता हूँ। तो ये मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, अभी बाकी इतना डाला हूँ, बाकी अभी और है। और ये जमील लेके आया है अपना, जो आप लोग कमेंट करते रहते हो जमील सवाब कमा रहा है। हाँ, जमील नेकी कमा रहा है। अरे जमील 3,000 महीने का कमा रहा है तो थोड़ा बहुत खर्च कर देगा, क्या हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सावेस ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो रमजान के एक नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो चलो देखेंगे आज का दिन कैसे कैसे गुजरता है, क्या क्या ड्यूटी रहता है, क्या क्या काम रहता है। और ये रमजान का 10वें रोजा का सहरी आज खाऊंगा मैं, और 10वां रोजा रखेंगे, तो देखते हैं कैसा गुजरता है 10वां रोजा। तो दोस्तों रात के 12:07 हो रहा है, और आज ये कपड़े धो देता हूँ मैं, जितने भी कपड़े पड़े हैं ये सब धो देता हूँ। पानी भर रहा हूँ मैं वॉशिंग मशीन में, कपड़े धो लेता हूँ। तो ये मैंने कपड़े डाल दिए मशीन में, अभी बाकी इतना डाला हूँ, बाकी अभी और है, दूसरे बारी में जाएगा। जीन्स वगैरह भी है, ये दूसरे बारी में डालूँगा मैं। अब देखो ये सारा सामान बेचना है मुझे जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों अपना सारा कपड़ा धुल चुका है, और बाकी टंकी का पानी ख़त्म हो चुका। अब वो मोटर बगल वाले में है, स्विच उधर ही है, तो वो लोग अगर जगेंगे तो मोटर चालू करेंगे तो पानी भरेगा। देखो पानी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, बस थोड़ा सा पाइप का आ रहा है। तो बाकी चलो अपना पूरा कपड़ा तो धुल ही चुका है। तो देखो कपड़ा धोते धोते 1:15, 1:14 कपड़े मैंने पानी निकाल दिया मशीन का। देखो कपड़े धोने में बहुत ही मेहनत है। तो 3:41 हो रहा है, मैंने रख दिया ये खाना गर्म होने के लिए, अभी गर्म हो जाए तो सहरी करेंगे। तो दोस्तों ये अपना खाना गर्म हो गया, अभी मैं निकालता हूँ प्लेट में। देखो तो ये है, ये अपना सहरी आज का। तो चलो निकालता हूँ मैं। तो ये निकाल लिया मैं सारा चावल, देखो ये रहा प्लेट में। अच्छा तो वहाँ पे टेंट में हम लोग इसी में खा लेते हैं, और ये गलती किया था, वो एक शोरबा उठा के लाना था वो नहीं लाया था। बाकी देखो ये लेबन लाया था दो, तो एक मैं पी गया था रात को शाम को ही, बाकी ये अभी सहरी के साथ एक पीऊँगा। और ये मिर्ची। तो चलो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सहरी करने, आप लोग भी आओ बिस्मिल्लाह करो। तो चलो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधे सुबह। तो अभी दोपहर के 3:41 हो रहा है, और देखो धूप निकला हुआ है सुबह, और देखो जो रात को मैं कपड़ा धोया था बिल्कुल सूख चुका है एकदम अच्छे से, इसको उतार के रख सकते हैं। जीन्स वगैरह भी सूख तो गया, ठंडा है बस, बाकी ये सब तो एकदम बेस्ट। चलो अभी इसको उतार कर रख देते हैं रूम के अंदर। ये सारा सूख चुका है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. तो देखो सारा शर्ट वगैरह लटका दिया मैं इधर लाके,
शर्ट सूख गया था, बाकी जीन्स जो है इसको मैं उधर फैला देता हूँ। बाकी ये सब जो जीन्स है अभी थोड़ा सूखा नहीं है, तो इसको इधर मैं फैलाता हूँ ताकि सही से सूख जाएगा। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns. तो देखो ये चार जीन्स है, इसको मैंने फैला दिया इधर। अब ये सूख जाएगा तो फिर इसको भी अंदर रख दूंगा मैं। तो 5:45 हो रहा है, मैं अभी तैयार हो गया टेंट में जाने के लिए। अपना हबीब भाई नहीं जाएंगे, वो इधर ही जाएंगे अपने दोस्त के पास में दावत खाने। तो मैं अभी अकेले ही निकलूँगा। और देख रहे हो 10 रोज़ा निकल गया, रमज़ान का 10 रोज़ा हो गया आज, और अभी तक ठंडी पड़ी रहा है। देख रहे हो जैकेट पहन के जाना पड़ रहा है, ठंडी इतना बढ़ गया बारिश होने के बाद। कल परसों जो बारिश हुआ था तो ठंडी बढ़ गया है। बाकी चलो देखते हैं और कितने दिन तक ठंडी रहता है। बाकी देखो 10 रोज़ा निकल गया और पता भी नहीं चला, और उतना ड्यूटी भी नहीं है, रूम पे पड़े पड़े निकल गया रोजा 10। तो चलो अभी मैं निकलता हूँ, चलता हूँ मैं उधर, जमील के साथ ही बैठ के अपना करेंगे। गाड़ी बस अपने काम के लिए ही चल रहा है। तब 10-20 रियल का पेट्रोल डलवा दूंगा मैं, मुश्किल नहीं है। तो देखो 5:46 हो रहा है, गाड़ी अब गर्म कर रहा हूँ, फिर निकलेंगे। मुश्किल नहीं है, अब 6 पे भी 6:10 पे भी 6:20 पे भी पहुँचूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उतना आदमी नहीं आते हैं, बच ही जाता है, आप लोग देखे ही थे कल। देखो ये रहे हबीब भाई, वो रहे उनके दोस्त, सब लोग मिलके अपना कहीं बैठ के जा रहे गाड़ी से। तो 6 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, मैं इधर पहुंच गया टेंट के पास में, और वहां पे अभी कीचड़ है ही, तो इधर ही कहीं देख के जगह लगाता हूं मैं। तो देखो 6 बज गया, मैं यहां पे लगा दिया हूं, और पीछे ही है टेंट, देखो वो रहा। और बस से आए हैं लोग, देखो अभी जमील आया नहीं, अभी फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कहाँ तक है। देखो आज जमील बहुत मन से बनाया है अंडा पकौड़ा, मगर आज ना हबीब भाई आए ना उसके जो दोस्त है 3-4, वो लोग भी मना कर दिए। बस मैं रहूँगा और वो जमील, और हो सकता है उसका रूम पार्टनर हो ना हो, पता नहीं। तो देखो वो रहा टेंट, और सब लोग अपने अपने बस में भर भर के आए हैं, गाड़ी में आए हैं। देखो जमील अभी पहुंचा नहीं, तो वो मैंने गाड़ी वहां पर लगाया है, और जमील जरूर यहीं पर लगाएगा, ताकि यहीं से भागता है और भाग के आके इधर ही बैठ जाता है गाड़ी में। तो आया है, देखो लेके आया है 2-3 बंदे को, हो रहा जमील। वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं था तो इधर लेके आया है गाड़ी। चलो चल के देखते हैं क्या क्या लेके आया है। ये अपनी गाड़ी, वो जमील की गाड़ी, फिलिपिनी बंगाली को लेके आया है। देखो अभी इधर कोई भी गाड़ी लेके नहीं आ रहा वो कीचड़ के वजह से। अरे जमील लेके आया है अपना, जो आप लोग कमेंट करते रहते हो जमील सवाब कमा रहा है। हाँ जमील नेकी कमा रहा है। अरे जमील 3-3 हज़ार महीने का कमा रहा है, तो थोड़ा बहुत खर्च कर देगा, क्या हो जाएगा। तो ये बैठ गए हम लोग, बाकी देखो जमील आज पकौड़ा वगैरह बना के लेके आया है। देखो
अंडा पकौड़ा है। देखो ये रुअफजा है, ये मिल घोल के लाता है, ये अंडा पकौड़ा बनाया है या सलाद गोभी, अंडा गोभी का भी है। यमील बहुत सवाब कमा रहा है इस रमजान में। तो चलो अभी चलते हैं, इफ्तारी हो गया अपना और ये शोरबा वोरबा ले लिया हूँ मैं। तो दोस्तों आ गया मैं रूम पे। बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखा आप लोगों ने ये 10वां रोजा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया और छुट्टी था आज भी, और आज भी कोई भी ड्यूटी नहीं आया था तो मैं रूम पे ही पड़ा था, बाकी कपड़ा धोया था रात को, यही सब मेरा ड्यूटी रहा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर कीजिए जरूर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, टेक केयर।